बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुआ है आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुररहमान साहब और सेंटर के कमिश्नर ताहा सलीम साहब इस वक्त मौजूद हैं और ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं नॉर्थ कराची सेक्टर 5A3 जहाँ पर पार्क के अतराफ तमाम तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी है और सिंध के गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची का वाज़ेह ऐलान के पार्क के अतराफ और दीगर रोडों पर और सर्विस रोडों पर तजावीज़ात अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इनके खिलाफ एक भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही हैं। वैसे तो KMC की जानिब से ये कार्रवाइयाँ चली रही हैं रोज़ की बुनियादों पर। अब खास तौर पर गवर्नर सिंह ने भी ऐलान किया है कि जितने भी पार्क के अतराफ तजावीज़ात हैं उनको हटाया जाए और पार्कों को आम फैमिली के लिए ओपन रखा जाए। तो उसी सिलसिले में हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं, खुर्शीद बेगम पार्क सेक्टर 5A3 नॉर्थ कराची से। तो हमारे साथ हैं, हम यहाँ की तमाम अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त KMC एंटी इंक्रोचमेंट टीम, इलाके पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान और एहलकार इस वक्त पार्क के अतराफ जितनी भी तजावीज़ात हैं उसको यहाँ से मुफ्त कर रहे हैं और दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि इन तमाम तजावीज़ात को खात्मा किया जा रहा है और इनको जब्त करने का अमल इस वक्त जारी है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत और सेंटर के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कामरान अली, डिप्टी डायरेक्टर यूनुस खान और महबूब शाह और दीगर अफसरान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। और आप देख सकते हैं फुटपाथ पर मुस्तकिल बुनियादों पर खड़े गए ठेले वगैरह के बिन हर चीज़ को यहाँ से KMC का अमला मूव कर रहा है। अरे ये गलत उठा रहे हो ना अनिल भाई, यू उठाओ ना यार। रहीम शाबाश शाबाश, हाँ सही है, जोर लगा के, हाँ गया गया, बस अब धक्का मारो, धक्का धक्का, हाँ धक्का, जाने दो, हाँ जाने दो, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं रोड के ऊपर कितने बड़े बड़े केबिन मौजूद हैं लोहे के बने हुए, ब्रिज के नीचे मौजूद ठेले वगैरह जो के मुस्तकिल बुनियादों पर खड़े किए गए थे उन तमाम को यहां से जब्त करने का अमल जारी है केएमसी की जानिब से। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावीज़ात के ख़िलाफ़ केएमसी की कार्रवाइयां रूस की बुनियादों पर तेज़ी के साथ जारी हैं और खुसूसन रमज़ान में इनमें काफ़ी तेज़ी आ चुकी है ताकि रोडों से तजावीज़ात का खात्मा हो और रोड क्लियर किए जाएं, ट्रैफिक के लिए फुटपाथों को क्लियर किया जाए आवाम के पैदल चलने के लिए, लोगों को ब्रीफ भी किया जा रहा है, उनको समझाया भी जा रहा है कि किस तरीके से ये रास्ते ब्लॉक होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहस करते हैं, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बाकायदा बहस की जा रही है। तो दोस्तों ये थी अपडेट, यहाँ से हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।